आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। निजी मामला है तो घर की चार दीवारी में निपटाओ ना, यह सड़क पे बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? क्या जमाना आ गया है, किसी की भलाई करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए हमें। अजीब लोग हैं इस शहर के, कितना समय इनके पास, बार बार हमें परेशान करने आ जाते हैं। अरे कितना कुछ हो गया और आपको हंसी आ रही है, बत्ती से फाड़ के क्या हंस रहे हैं? मेरा घूम जाना आपको मजाक लग रहा है ना? नहीं नहीं सही, तुम्हें एहसास भी है? इस सारे झमेले में तुमने मुझे क्या बुलाया? तुमने मुझे वो एक ऐसे नाम से पुकारा है जो तुम मुझे मानती ही नहीं। सही, तुमने मुझे पति बुलाया है। ठीक है, पहले खाना तो खा लो, अब भूख नहीं लग रही तुम्हें? एडमिशन के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, चलो खिला देता हूँ। कम नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, अब फिर से मुझे घुमा देंगे और मैं ऐसे भटकती रहूंगी। तुम्हारे ये गुम होने का इल्जाम मुझ पे मत डालो, समझी? मैं इतना टेंशन में था, पता है कब से ये सोच रहा था, सही को कुछ हो ना जाए, सही को कोई किडनैप ना कर ले, सही का कोई फायदा ना उठा ले। हंस क्या रही हो? क्या मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ जो मेरा कोई फायदा उठा लेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो, क्योंकि 2 साल के बच्चे समझदार होते हैं, तुम गैर जिम्मेदार हो। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मुँह फटू, और मैं ना ये छोटी छोटी चीजों की टेंशन नहीं लेती आपके और आपके घर वालों की तरह। क्या? और वैसे भी अगर मैं गुम हो भी जाती तो ऑफिसर IPS विराट चव्हाण मुझे आसानी से ढूंढ लेते, ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हें ढूंढ तो मैं हर कीमत पर लेता, पर सही जब तक तुम मुझे ना मिलती ना, तब तक तुम्हारे ना मिलने का डर, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाने का डर, वो मुझे चैन से रहने नहीं देता, घुटता रहता मैं अंदर। बस यही तो करने को बोला था मैंने, पहले ही मेरा हाथ पकड़ लेती तो तुम गुम नहीं हो जाती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।